हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल एकेडमी ऑफ फेथ। मैं आप सभी लोगों का अपने चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट ऑल द स्टूडेंट हु हैज पास्ड देयर एग्जामिनेशन यस्टरडे। ठीक है, अब जो बच्चों ने एग्जामिनेशन को पास कर लिया है उनकी जर्नी यहाँ पे खत्म नहीं हुई है, अभी उन्हें बहुत आगे जाना है। अभी सिर्फ उनका एक चैप्टर खत्म हुआ है ट्वेल्थ क्लास में, जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, 90% आए, 95% आए हैं। वो अभी इतना ना सोच रहे कि हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, उनको बहुत आगे जाना है। और जिनके मार्क्स कम आए हैं वो तो बिल्कुल भी ना सोचे कि यहाँ पे सब कुछ खत्म हो गया है, अभी बहुत कुछ पाना बाकी है। जो फेल होते हैं या जो कम नंबर लाते हैं, जरूरी नहीं है कि वो लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होते, बहुत सक्सेसफुल होते हैं गाइस। ये सिर्फ मार्कशीट है, मार्कशीट आपकी एबिलिटीज को नहीं बताती है, आपने क्या करना है आगे, आप क्या करना चाहते हैं आगे, ये सिर्फ आपको पता है और आप में कितनी काबिलियत है सिर्फ आप जानते हैं। मार्क्स आपके फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मार्क्स आना अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं आए, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, कहीं ये मत सोचना कि बोल रहे हैं यार मार्क्स नहीं लाने चाहिए। हर किसी की एबिलिटीज स्टडीज नहीं होती है, हर किसी की एबिलिटीज ये नहीं होती है कि वो 100% या 90% आएगा तभी आगे बढ़ेगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सेल्फ डिटर्मिनेशन की जरूरत होती है, जिससे बंदा डिटरमाइंड होता है कि उसे कुछ करना है, वो मार्क्स के बिना भी बहुत आगे बढ़ सकता है। ठीक है, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमने नया चैप्टर, नई यूनिट शुरू करी थी जिसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में मैंने क्या बताया था कि ये ऐसे सिद्धांत हैं। प्रिंसिपल्स का मतलब होता है ऐसी स्टेटमेंट्स, ऐसे सिद्धांत जो मैनेजर्स को गाइड करते हैं। ठीक है, जो मैनेजर्स को गाइड करते हैं, जिसमें मैंने क्या एग्जाम्पल दिया था, फॉर एग्जाम्पल मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा था और मैंने सारा काम लोगों के बीच में, ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है, सिर्फ रिवाइज करा रहा हूँ, मैंने सारा काम लोगों के बीच में उनकी स्पेशलिटी के हिसाब से, उनकी एक्सपर्टाइज के हिसाब से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो मैंने क्या पाया कि अब काम अच्छे से हो पा रहा है, क्योंकि उसको वही काम मिला जिसको जो आता था। ठीक है, तो ये कौन सा प्रिंसिपल बना, डिविजन ऑफ वर्क बन गया। ठीक है, ये जिसने भी बनाया होगा उसके बाद उसने वो बुक में लिख दिया, उसके बाद जितने भी मैनेजर्स बने होंगे अगर वो उस काम को, उस प्रिंसिपल्स को, प्रिंसिपल को अप्लाई करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, वो एक ऐसी गाइडलाइंस है, ऐसी स्टेटमेंट्स है, ऐसे सिद्धांत है जो मैनेजर को गाइड करते हैं अपने एक्शन को पूरा करने के लिए, अपने थॉट प्रोसेस को पूरा करने के लिए, अपने एक्शन को पूरा करने के लिए जो मैनेजर्स को गाइड करते हैं उसको हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, अब इसके बाद दो क्वेश्चन थे जो वेरी इंपॉर्टेंट है। आईसीएसई बोर्ड में बहुत पूछे जाते हैं, सीबीएसई बोर्ड में भी पूछे जाते हैं, व्हाट आर द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, किस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के नेचर क्या होते हैं और सिग्निफिकेंस बताओ, उसकी इंपॉर्टेंस बताओ। ठीक है, तो गाइस जब तक हमें यही नहीं पता चलेगा कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है क्या, कौन कौन से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, हम उनके नेचर के बारे में नहीं बता सकते। बुक में पहले है, ठीक है, बुक में जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उससे पहले नेचर और सिग्निफिकेंस है। कई लोगों को डाउट भी होगा जो क्लासेस देख रहे होंगे, यार ये सब पहले क्यों करा रहे हैं। ठीक है, इसलिए पहले करा रहा हूँ, पहले तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को जान लो। अभी हमने सिर्फ डेफिनेशन पढ़ी है, अब हम कुछ प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम पढ़ेंगे कि उसके नेचर क्या होते हैं, सिग्निफिकेंस क्या होती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक के साथ, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। टॉपिक क्या है, एक तुम्हारा टॉपिक है हेनरी फ्योल, एक मैनेजमेंट एक्सपर्ट था। ठीक है, हेनरी फ्योल एक मैनेजमेंट एक्सपर्ट था, फ्रांस में एक इंडस्ट्री में काम करता था। तो उसने कुछ प्रिंसिपल दिए। अब उसने कुछ प्रिंसिपल्स कैसे दिए, जब वो फ्रांस की उस इंडस्ट्री में काम कर रहा था तो जो उसने काम करते करते एक्सपीरियंस किया, जो उसने काम करते करते एक्सपेरिमेंटेशंस किए, जो उसने काम करते करते ऑब्जर्वेशंस किए, उसके बेसिस पे उसने कुछ कुछ प्रिंसिपल्स बनाए और उस प्रिंसिपल्स को उसने बुक्स में लिखा, बुक में लिखा, एक बुक का नाम नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, तो बुक में लिखा और वो प्रिंसिपल हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, 14 प्रिंसिपल दिए, 14 प्रिंसिपल। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब हम 12th क्लास के पेपर देते थे तो हमारे टाइम पे केस स्टडीज इतनी सारी नहीं आती थी, आती थी 20-25 मार्क्स की आती थी, तो केस स्टडीज में नहीं पूछा जाता था, ये डायरेक्ट इसमें से कोई दो प्रिंसिपल पूछ लिया करता था 14 में से 6 मार्क्स के। ठीक है, 6 मार्क्स के कोई भी दो प्रिंसिपल पूछ लिया करता था। आज की डेट में क्या है, उन्हीं 14 प्रिंसिपल को 6 मार्क्स में पूछता है, वैसे ही पूछता है, बस केस स्टडी में पूछता है।
और इतना इजी होता है, इतना इजी होता है अगर तुम्हें ये 14 प्रिंसिपल के मीनिंग पता है तो आप केस स्टडी फ्री में सोल्व कर सकते हो। फ्री के 6 नंबर हैं ये, अगर आप ये पढ़ दो। हम इसे पढ़ेंगे, देखो क्या बोल रहा है। डिफरेंट मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स हैव एक्सप्लेन्ड डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च। वो बोल रहा है कई मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स ने कुछ प्रिंसिपल्स दिए, ठीक है। डिफरेंट मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स ने अपने रिसर्च के बेसिस पे कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं। उनमें से एक हेनरी फ्योर है, बोल रहा है उनमें से एक हेनरी फ्योर अब फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट है, यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है। अब फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट हैव डिस्क्राइब्ड 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। बोल रहा है उनमें से एक हेनरी फ्योर है जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट था, कहाँ पे? इंडस्ट्रियलिस्ट था फ्रांस में, उसने 14 प्रिंसिपल दिए। एक मार्क्स का क्वेश्चन एमसीक्यू आता है, हु हैव गिवन द, इसे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स भी बोलते हैं, ठीक है। फंडामेंटल क्वेश्चन आया, हु हैव गिवन द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। चार ऑप्शन लिखे, जिसमें एक लिखा जी आर टेरी, एक में लिखा एफडब्ल्यू टेलर, एक ऑप्शन हुआ हेनरी फ्योर। तो आप आंसर क्या लिखोगे? हेनरी फ्योर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू पर क्या बनता है इसमें से, हाउ मेनी प्रिंसिपल हैव बीन गिवन बाय हेनरी फ्योर। तो ऑप्शन क्या होंगे, 12, 13, 14, 15, तो कितने दिए थे? 14 प्रिंसिपल। ये तो इजी इजी थे, ठीक है। ये मैंने बताया कि 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे, किसने? हेनरी फ्योर ने। और वो 14 प्रिंसिपल क्या थे? 14 प्रिंसिपल ये थे जिसको हम अपनी अगली क्लासेस में शुरू कर देंगे। आज मैं बेसिक बेसिक नाम बता रहा हूँ, ठीक है। क्या बोल रहे? पहला बोल रहे डिविजन ऑफ वर्क, 14 प्रिंस। हाँ, दूसरी बात, जो हेनरी फ्योर ने प्रिंसिपल दिए ये सजेस्टिव थे। सजेस्टिव का मतलब क्या होता है? कि ये प्रिंसिपल कंपलसरी नहीं थे। मैंने उसने पहले बताया था कि रूल्स और प्रिंसिपल में यही फर्क होता है, जो रूल्स होते हैं वो कंपलसरी होते हैं और जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो कंपलसरी नहीं होते, सजेस्टिव होते हैं, ठीक है। मतलब ये तुम कोई अगर मैनेजर बनता है तो अप्लाई करे ना करे उसकी मर्जी है, लेकिन अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई रूल है उसको वो अप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी बात ये फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल मतलब द थिंग विच कैन चेंज हिमसेल्फ और हरसेल्फ विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट। ऐसी चीजें जो अपने आप को चेंजिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज कर सकती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लेक्सिबल। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं? एक तो सजेस्टिव इन नेचर होते हैं और दूसरा फ्लेक्सिबल इन नेचर होते हैं, ठीक है। सजेस्टिव मतलब जरूरी नहीं है कि ये अप्लाई करो, अगर आप मैनेजर हो तो आपकी मर्जी है इसे अप्लाई करना चाहते हो, अगर आप मैनेजर हो आपकी मर्जी है इसे अप्लाई नहीं करना चाहते। और दूसरी बात, ये फ्लेक्सिबल होते हैं, अगर कोई सिचुएशन चेंज हो रही है तो ऑब्वियसली बात है कि आप प्रिंसिपल को भी चेंज कर देंगे। जैसे डिविजन ऑफ वर्क है, जहाँ पे बहुत सारे लोग हो, बहुत सारा काम हो, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक ही बंदा है तो वो क्या डिविजन ऑफ वर्क अप्लाई करेगा? नहीं करेगा, वो खुद ही सारे काम करेगा, ठीक है। तो ये एज पर चेंजिंग कंडीशन इट कैन बी चेंज, ठीक है। तो ये हमारे है 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। पहला है डिविजन ऑफ वर्क, ये हमने पढ़ रखा है, कल हम दोबारा पढ़ेंगे, इस पे केस स्टडी कैसे आती है वो पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिविजन ऑफ वर्क का मैंने मतलब बता दिया, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का हल्का सा बता देता हूँ। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर, ठीक है। तो बोल रहा है अगर हम किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, जिम्मेवारी दे रहे हैं, तो हम उसको डिसीजन लेने की पावर भी दें, ठीक है। बेसिक पढ़ रहे हैं अभी, हम सारे पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, 6 नंबर का क्वेश्चन फ्री में आएगा आपके यहाँ। थर्ड बोल रहे डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब तुम्हें पता ही है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को डिसिप्लिन में रहना चाहिए। फोर्थ बोल रहे यूनिटी ऑफ कमांड, ये भी हमने पढ़ा था कि एक इंसान एक ही हेड होना चाहिए एक ग्रुप के ऊपर, दो हेड होंगे तो क्या होगा? कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद आ रहा है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ग्रुप ऑफ पीपल का एक ही क्या होना चाहिए? टारगेट होना चाहिए, इसे बोलते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। उसके बाद बोल रहे सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माना जाता है एक ये सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। आप बोलोगे ये क्या लिखा हुआ है, समझाऊंगा कल, आज बता देता हूँ। इस लाइन का मतलब होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं उसको अपने इंटरेस्ट से पहले अपनी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के बारे में सोचना होता है, ठीक है। अपने भले से पहले अपनी कंपनी के भले के बारे में सोचना होता है, इसको हम बोलते हैं सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। उसके बाद है रेम्यूनरेशन टू इम्प्लॉइज, बोल रहे हैं रेम्यूनरेशन टू इम्प्लॉइज को क्या होनी चाहिए? इक्वल रेम्यूनरेशन देनी चाहिए। मतलब इक्वल का मतलब होता है, मतलब उसकी काम के आधार पर उसको रेम्यूनरेशन देनी चाहिए।
एक ऑर्गेनाइजेशन में दो लोग काम कर रहे हैं, एक मैनेजर का भाई है और एक सिंपल वर्कर है। मैनेजर के भाई ने 8 घंटे काम किया और उसको 8,000 रुपए मिले, और दूसरे बंदे ने 10,000 रुपए काम 10 घंटे काम किया उसे भी 8,000 रुपए मिले। तो ये क्या है, इसके अगेंस्ट है। तो रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉइज क्या होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन भी कॉन्सेप्ट है, ये आप कल पढ़ेंगे, थोड़ा डिफिकल्ट सा कॉन्सेप्ट है। तो इतना डिफिकल्ट नहीं है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होनी चाहिए, वो बटनी चाहिए या नहीं बटनी चाहिए अपने जूनियर्स को, ठीक है। स्केलर चेन, ये भी क्या होता है, एक चेन होती है हम जिसमें कम्युनिकेट करते हैं, ये भी हम कल करेंगे, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऑर्डर, सारी चीजें ऑर्डर में बड़ी होनी चाहिए, चाहे बंदा हो चाहे मटेरियल हो, एक ऑर्डर होना चाहिए हर एक चीज का, ठीक है। उसके बाद इक्विटी, सबको हम इक्वल ट्रीट करेंगे। उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में हमारा एम्प्लॉई काम कर रहा है वो स्टेबल होना चाहिए, उसको नौकरी का कोई खतरा नहीं होना चाहिए। उसके बाद इनिशिएटिव, हमें अपने जूनियर्स को मौका देना चाहिए कि वो भी ऑर्गेनाइजेशन में इनिशिएटिव ले सके। और आखिरी में एस्पिरिट डी कोप्स, जिसको हम बोलते हैं टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट मतलब क्या होता है, टीम स्पिरिट मतलब सब लोगों को टीम स्पिरिट में काम करना चाहिए। तो ये कुछ 14 प्रिंसिपल है, मैंने 3 के आगे इंपोर्टेंट लगाया तो इसका मतलब नहीं है 3 ही पूछते हैं, ठीक है। 14 के 14 इंपोर्टेंट है, और हर बारी कोई दो पूछता है। तो पता है लॉन्ग क्वेश्चन 6 नंबर का जो क्वेश्चन आता है 24 में आता है, तो ये 6 नंबर के क्वेश्चन में आता है। और इसके साथ एक आगे साइंटिफिक मैनेजमेंट है जिसके साथ ये 24 में बनता है, ठीक है। तो हम ये क्वेश्चन क्या करेंगे, कल से हम अपने प्रिंसिपल स्टार्ट कर देंगे। बहुत मजा आएगा गाइस इसे पढ़ने में, इतना मजा आएगा ना तुम्हें, यहाँ के अलावा कहीं पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो आप क्या करें, कमेंट बॉक्स पे मेरे साथ शेयर करें कि आपको मेरे लेक्चर कैसे लग रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जैसे कि जो लोग फीस को अफोर्ड नहीं कर पाते। मैंने कल भी रिजल्ट्स में देखा कई ऐसे बच्चे थे जो अच्छे मार्क्स ला सकते थे लेकिन उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली। तो आप क्या कर सकते हैं, उन लोगों के साथ मेरे चैनल को शेयर कर सकते हैं जिनके पास इतनी फीस नहीं है जो आगे जाके फीस दे सके। तो ठीक है गाइस, आज के लिए इतने रखते हैं, कल मिलेंगे।